फर्स्ट ईयर उधर भी शुरू हो गया। टुमारो एट दिस टाइम यू विल बी हैविंग योर क्लास, ऐसा कर दिया उन्होंने। चलो, यस्टरडे वी हैव डन पार्लियामेंट एंड देन टुडे वी डू, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी। मुझे अच्छा लगेगा अगर बच्चे अपना कैमरा खोल के आ जाएंगे। कल कितना अच्छा लगा क्लास में, ऐसा लगता सुबह सुबह आप लोग ध्रुव आर यू इन साइड द बेड, बिस्तर में हो ध्रुव? नो मैडम। नो मैडम, तो फिर क्लास में आने में क्या दिक्कत है? यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल नॉट कम टू द स्कूल। कल दामिनी वगैरह आए थे, देखो तो बच्चे। दामिनी, डिड यू लाइक यस्टरडे? यस मैम। चलो, हरीश इसलिए टोपी पहनता था भाई, कैप पहनो, वो ठंडा है, कैप पहनो। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन इंडिया सच एन नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। हर देश में है, पर हमारे देश में जो नेशनल असेंबली है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, दैट इज कॉल्ड, देर आर टू, एक स्टेट लेवल में है, एक सेंट्रल लेवल में है। स्टेट लेवल में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ MLA बैठते हैं, और ये है पार्लियामेंट जिसमें MP बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। It exercises political authority on behalf of the people in many ways. Number one, अभी मैं जहां पेंसिल पकड़ो, जहां जहां बोल रही हूँ वहां वहां लाइन मारना। Parliament is the final authority for making laws in the country. Underline this. Why do we need parliament? में आप ये आंसर लिख सकते, पता नहीं धुआं क्यों कर रही हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी। दिस टास्क ये नहीं करना, दी टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। नाउ यू कम अगेन अंडरलाइन पार्लियामेंट में अमेंड्स नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। पार्लियामेंट ब्रैकेट करो, अभी नहीं करना, उसको ब्रैकेट करके अभी रुको बोलूंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन अदर प्लेस, इन देयर प्लेस। ये वाला अंडरलाइन करो, कैन मेक से लेके, मैंने एक बार करवाया भी था जो पढ़ाया था, दुनिया उल्टा बैठी है। सेकेंड, पार्लियामेंट अगेन ब्रैकेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट, एक्सरसाइज सम कंट्रोल में कंट्रोल ओवर ब्रैकेट, दो यू रन, नहीं करना ये सब। अगेन ब्रैकेट, द गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया को करो, द गवर्नमेंट इन इंडिया, दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। दो यू रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये अंडरलाइन करना, सो ब्रैकेट करना। थर्ड, अगेन पार्लियामेंट को करो ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट ऑन कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव, ब्रैकेट खत्म, अभी नहीं करना। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द रिपब्लिक में ब्रैकेट चालू, पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। ओके, वेट, आई विल जस्ट टेल यू द अंडरलाइन पोर्शंस एंड ब्रैकेट पोर्शंस। मैं दोबारा ब्रैकेट नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दिया, आई विल नॉट टेल यू अगेन, सो यू बी केयरफुल एंड सी। आई विल जस्ट सी टेल यू फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री एंड आफ्टर दैट यू कम स्टेट पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज
change existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place. Final, okay? Got it? Okay. Next, my second point. Parliament control over the government in India. This control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of the parliament. Third point, parliament control all the money the governments have. Public money can be spent only when the parliament sanctions it. When you come tomorrow to the class, I will be taking test on this. You have to write down in front of me. So that I'll make it final. I will be sure that you have learned this. अभी तो खत्म नहीं अभी तो और भी है. पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ बेसिक डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री. पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. टुमारो फर्स्ट पीरियड व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का ऊपर में ये टेस्ट होगा, ये वाला जो मैं आज पढ़ा रही हूँ. क्लियर? यू विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. क्लास में सब लोग है, मैं क्लास में इसीलिए 15 ही लोग है, ज्यादा लोग नहीं है. अटेंडेंस का नहीं है, मुझे भी आई अटेंडेंस. अटेंडेंस कैसे लूँ भाई? नहीं इसमें लॉजिक तो नहीं बैठी इसकी. भैया को बुलाते हैं, अटेंडेंस लेना पड़ेगा जरूरी तो. और आगे चलो, आगे क्या है? टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसको थोड़ा थोड़ा आई एम जस्ट कॉलिंग फॉर द भैया. ओके, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें मैंने इसके ऊपर लिख दिया कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट. भैया ये अटेंडेंस का कॉलम दिख ही नहीं रहा बिल्कुल मेरा स्क्रीन पे. एंड देन आप लिखो कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट. इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट देन यू हैव टू राइट दिस. सिंस द पार्लियामेंट प्लेज, मैं अभी बोलूंगी कहां से तुमको करना है, अंडरलाइन कर रखा मैंने. सिंस द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, most large countries divide the role and powers of the parliament in two parts. yahi se they are called, shuru karo line ki zara, they are called chambers or houses. one house is usually directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. the second house is usually elected indirectly and performs. which house, about which house it is talking? तुम बोलोगे हमें ये क्वेश्चन दे सकते हो. इट वर्क्स, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट्स द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. एक्सप्लेन. द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस. यहाँ पे नहीं बोला सेकंड हाउस, इट मीन्स राज्यसभा. इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ये
किसका वही पहचान है इलेक्टेड इनडायरेक्टली. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स. ये पूरा अंडरलाइन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको ये पता चलना चाहिए, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज विच वन इज अपर हाउस एंड विच वन इज लोअर हाउस. राज्यसभा इज ऑलवेज अपर हाउस एंड लोकसभा इज ऑलवेज लोअर हाउस. एंड हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नॉट हाउस ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. यहाँ पर तुम्हारा आंसर शुरू हो जाता है. आप ये भी लिख सकते हो, अगर देखो कितना वेटेज है, 3 मार्क है, 5 मार्क है. 3 मार्क है तो यहाँ से शुरू करना, अभी जो पढ़ूंगी. 5 मार्क है तो ऊपर से शुरू कर देना. डू यू अंडरस्टैंड दिस? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस. हु Who is not the member of either house? The president मत बोलना. President तुम्हारे घर में बकरी कौन चराता है? The president बोलो. कुछ ही बोल देते हैं. ना तमीज है, ना सम्मान है, कुछ नहीं अपना. President, ए president इधर आएगा वो किचन. देश का सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है वो. कुछ भी. That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. Assent means his signature. जितने भी लॉ पास करा जाता है सब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बिना. प्राइम मिनिस्टर कहीं साइन नहीं करता है. करता धरता हो सब कुछ है, पर कभी कहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता. उसके ऑन बिहाफ होता है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर नहीं है, उसकी ओर से कोई और उसके ऑफिस में वो साइन करता है. हम तो यही तो सीख रहे हैं ना, हाउ द डिसीजंस आर मेड. सब जगह प्रेसिडेंट, अगर किसी को पकड़ना प्राइम मिनिस्टर बोलेगा वो उधर बैठा, उसका सिग्नेचर मेरा नहीं. इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. बात ऐसे ही है, सिस्टम कुछ ऐसी है. यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 4. यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक्स प्लेस. लेट अस रिकॉल some key differences between the. कुछ नहीं दिख रहे थे तो गूगल भी अपना कुछ भी करता रहता है रोज. कुछ रखा नहीं क्यों बनना नहीं वो गूगल क्यों करता छिड़का नहीं ये अब तो नहीं बोला तो करो देखो कहाँ गया हो ध्यान नहीं दिया क्लास में उनको करने लगी. दामिनी पेज नंबर क्या है? एक मिनट यार. 84. थैंक यू. मुझे इतनी देर से मिल ही नहीं रहा है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ. मैम कह रही उल्टी बैठी है यार, मोबाइल गिर गया. मेरा भी नहीं, 3-4 बार गिर गया. रमेश तो क्यों नहीं आया स्कूल? उसके पेरेंट्स ने वो कंसेंट नहीं दिया. तुम लोग जैसा क्यों परेशान करना किसी व्यक्ति को? चलो ये कौन बैठा है एकता कपूर? चलो एकता कपूर बैठी. ओके. यू हैव रेड अबाउट इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 4. यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस. लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेस of parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. What is the total number of members? 545 you know, or Rajya Sabha 250
उल्टा मत कर देना, ये उल्टा इधर से का उधर, उधर का इधर करने में तुम लोग एक्सपर्ट हो। लोकसभा का 545 और राज्यसभा का 200 क्या 50। नाम मेरा दर्द कर रहा, तुम लोग बोल नहीं रहे, सोचो ब्रश नहीं कराता है, बदबू आ रही मेरे को। क्लास में माँ सरस्वती का पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई किसी ने नहीं नहाया, मैं तो गारंटी के साथ कहता। अभी इसके बाद क्लास नहीं लगाता, 1:40 में फ्री होगे तुम इस पीरियड दो, इसके बाद सेकंड पीरियड, अंदर सेकंड पीरियड के बाद तुम्हारा लंच होगा। सच क्या है सच बताओ, इसको सीधा नीचे अगला मम्मा था वो, तो कहते ठंडा पानी मिलना हो सकता है। मैम मेरा कैमरा ऑन है, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बीच में कट रहा है अभी भी नो मैम, तो जाएगा मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे नहीं आ रहा। नंदिनी तू सोच रही है मैं कल तक चालू, सवाल ही नहीं, कल तक टेस्ट करूंगी। हवा आया बड़े अंग्रेजी में अच्छा मार्क लाते हो, कैसे लाते हो भाई, टेन्योर मतलब टाइम। तुम्हारा 9th क्लास में कितना टेन्योर है, हाउ मेनी इयर्स डू यू स्टडी इन क्लास 9? 1 ईयर। तो हर क्लास में 1 ईयर का तुम्हारा टर्म टर्म है। ऐसे लोकसभा का टाइम कितना है, टेन्योर कितना है, 5 साल, 5 ईयर, 5 ईयर। जनरल इलेक्शन अब सब आता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, आप लोग पहले तो कोई इंटेलिजेंट नहीं था, एक भी व्यक्ति। Tenure. What is the length of the term in years? That is tenure. Lok Sabha 5 years, Rajya Sabha 6 years. Every 6 years, 1/3 of its members are retired. Even retirement होगी फिर नौकरी नहीं मिलेगी. Can the house be dissolved or it is permanent? Yes, Lok Sabha can be dissolved every 5 years. क्योंकि ये रिटायर नहीं होती, इनका टर्म खत्म हो जाता है, फिर इलेक्शन होगा, फिर नए मेंबर आएंगे, यही लोग भी आ सकते हैं। लोकसभा का कितना 5 ईयर्स और राज्यसभा का 6 ईयर्स है, एवरी 6 ईयर्स देन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, कितने मेंबर हुए 250 मेंबर्स का 1/3 निकालो जल्दी से। पूछो मी हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिटायर्ड एवरी ईयर इन एवरी 6 ईयर्स, उनको क्या करना पड़ेगा, 83। इसीलिए पुराना पेपर मत देखो, पुराना पेपर देखने से कोई फायदा नहीं, तुमको 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, उसे बहुत कुछ सॉल्व करने को मिलेगा। उसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं ऑब्जेक्टिव टाइप, और तुमको मिलेगा इसके अलावा 3 और 5 और ऐसा है, ठीक है, और बीच में क्या है 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, यानी 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सोर्स बेस्ड है, एक पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ विल बी गिवन, सम क्वेश्चंस विल बी गिवन, यू हैव टू आंसर, इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ।
इंग्लिश में पढ़ते हो अनसीन फेसेस? यस मैम। इसी टाइप का, इसी टाइप का, इसमें इट कैन बी एमसीक्यू क्वेश्चन और इट कैन बी स्प्रेड क्वेश्चन। और ऐसे चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से सही ढूंढो। वो एमसीक्यू ही हुआ, मल्टीपल चॉइस हो गया। और मल्टीपल चॉइस ये नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट करके सोर्स बेस्ड में किसी किसी पैराग्राफीन और कंट्री पार्लियामेंट यहाँ से लेके कितने भी थोड़ा दे देंगे, उसी की बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो आंसर, तो ये हो मास्टर द चैप्टर फर्स्ट। और वन सिंगल क्वेश्चन ऑल्सो, वन वर्ड, वन वर्ड, वन लाइन, वन सेंटेंस क्वेश्चन कैन बी आस्क। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, एवरी सिक्स ईयर्स हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिटायर्ड। अगर तुम ये तो वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर नॉट एक्सेप्टेड, वन थर्ड लिख दिया तो फंस गए, क्योंकि वन थर्ड को फिर प्रूफ करो। इसलिए तुमको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यू मस्ट बी नोइंग प्लस इसका वन थर्ड डाल के बताना पड़ेगा आपको। Did you understand that? Yes, ma'am. नहीं, yes बोला, दो लोग कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही घूम कर गए। ऐसा नहीं है, जोर जोर से yes बोलो। ना मैं पूरी बात में कर, पहले तुम बता। मैं कुछ नहीं बोल, क्या पटा रही? ये बनी थी बालों में। Which of the two houses is more powerful? It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. No, मैं पढ़ा रही हूँ, तुमको पूछ नहीं रही हूँ। और इसको पूछे कोई नहीं, खाली मंदिर के लिए बैठी हूँ बस। नापिया, तुमसे थोड़ा बात करना मुझे। नापिया बाहर आओ। Yes, ma'am. नापिया, नहीं बाहर आओ, सबको दिखाओ तभी तो बात करूँ। तुमको थोड़ा बुरा लगे? क्या कर रहे हो? मैं तुमको बताना चाहती हूँ। Show your face. Go to the studio ki Nabiya ko bol. How much time do you take to come out? Na Nabiya, aap jo kuch bhi kar rahe hain apne sath bilkul galat kar rahe hain. Still in the bed, hai na? Uthe kaise kal school kyun nahi aaye beta? Tumhara calibre mein sir TV mein dekha hai. Hain? कितने लोग खेतों में काम कर खड़े हैं, हम तो तभी घर के अंदर है, घर में हीटर जला देते हैं जरा सा ठंड लगता है तो। बहुत कम्फर्ट है हमारे पास, एकदम कर। आपने पढ़ाई छोड़ के अच्छा नहीं करा, आपने अच्छा नहीं करा टेस्ट में। जो आपका पढ़ाने पढ़ने का जो क्वालिटी है वो तो आपने नहीं दिखाया। क्यों? सम काइंड ऑफ लापरवाही मास्टर नहीं कर रहे हो आप। सबसे बड़ा लापरवाही की आप कैमरा नहीं ऑन करते। कैसे पढ़े? बिस्तर में बैठ के पढ़ाई होगा बेटा। हम लोग एग्जाम के टाइम में ऐसे घूस के पढ़ते सो जाते थे। आराम किसको नहीं दिया? आराम की जिंदगी हम अभी नहीं है। अभी तक तो बहुत बहुत है ना, नाइट हम लोग कैरियर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हो गया। आप ये लोग नहीं ले रहे हैं इस दिन बस बात ले बताओ। हम तो बोल रहे हैं कि टफ कर रहे हैं बच्चे, ऐसे थोड़ी हो तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। मेरे साथ हो रहा है, मैंने तुमको देखा है और नाइट में भी देखा, ऐसे नहीं कि नहीं करते, थोड़ा गड़बड़ है। बहुत जल्दी तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए मुझे किसी बच्चे से दुश्मन नहीं, ऑल जीरो मैन माइंड। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो मेरे क्लास में, दे आर एब्सोल्युटली माइंड। मैं तुम लोगों के लिए लड़ भी जाती हूँ, पता है? मैं तो सब तक से भी लड़ती हूँ, क्योंकि तुम ही लोग मेरे जिंदगी हो। तुम लोग अगर खराब कर दोगे, जो पढ़ सकती है पढ़ सकती है, कर सकती है, देखो सो रही हो। ये कौन सा तरीका है स्टूडेंट लाइफ में सोने का? एक स्टूडेंट, एक सोल्जर और एक तपस्वी, तीनों की लाइफ में कोई फर्क नहीं बेटा।
माता पिता कष्ट कर रहे ताकि तुम पढ़ो, ताकि तुम खड़े हो जाओ वहां, और तो सूरज निकलने से पहले जगना चाहिए, नहीं तो ब्रेन एकदम खोखला हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगी। If I do not move forward, then what happens? What happens with you? You do not stay static. आप चुपचाप खड़े नहीं होते, आप पीछे जाने लगते हैं। Life is movement. अगर आप रास्ता में बीचों बीच चुपचाप खड़े हो जाओगे, तुमको पीछे से आने वाले लोग, आगे से आने वाले लोग टक्कर मार उड़ा देंगे। We don't need you, ऐसे बोल के। इसीलिए अपने को डटे रहने का व्यवस्था करो। Navya, do you understand what I'm talking? अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, तुम बहुत आराम करे, आराम नहीं करो बेटा, तबीयत खराब है, ये है, कल मम्मी साहब बोल रही थी मेरा पेट दुख रहा था, हो रहा था पहले तो, अभी तुम लोग एब्सेंट नहीं हो, पेट दुखने की तो सो रहे थे, अभी इतने दिनों में, एक साल में तुम लोगों ने आदत पूरा कर लिया। मैं मानती हूँ दर्द हो रहा था, कितने दर्द में तुम लोग स्कूल आए, कितना बारिश में भीग के आए, उसका घर तो स्कूल के सामने ही है। मैं सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कौन है मैम, पेरेंट्स आपने बोलो ट्यूशन नहीं मिली है। यस मैम। नहीं मत आओ तुम स्कूल और क्लास में। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कम टू द स्कूल, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, जब तक पेरेंट्स को परमिशन नहीं मिलता मत आओ, पर कम से कम उठ के बैठो, ठीक से पढ़ो, क्यों रिजल्ट खराब होता है? आपका जो पीपीटी था उसमें आप ही लोगों ने अपने आपको 4 मार्क दिया ना, आपके सामने मार्क दिया मैंने। इफ यू रेट योर सेल्फ सो लो बिकॉज नोबडी विल डू, बिकॉज द परफॉर्मेंस इज नॉट ओके। और तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम ये नहीं कि तुम करती थी, ऐसा क्या हो गया जो तुम पीछे जाते रहो बेटा, तो गलत है। अभी भी समय है, उठो जागो और चलो। अब ऐसे रहना ठीक है, सुबह उठो नाओ भागे दौड़े, कैसे स्कूल आते थे तुम लोग, ऐसे ही बोलो हमारा क्लास चल रहा है अभी, हम कैसे बिना नहाए बैठ जाएंगे क्लास। अभी तो हरीश टोपी नहीं पहना, टोपी पहन, वेदर तो ऐसा नहीं रहेगा, इस मौसम में वेदर ऐसा होना चाहिए। एग्जाम के टाइम आप कैसा पढ़ते हो, ऐसा तुम्हारा मौसम, ऐसा बुरा मत मानना, मैं तुमको ऐसा मीन करके नहीं बोला, समझ में आ रहा है? अगर तुमको परमिशन नहीं मिला तो तुम नहीं आए, तुम्हारा क्या दोष है? पर रोमी सर सिंसियर चाहिए, ऐसा नहीं नहीं पढ़ती। Which of the two houses is more powerful? It might appear that the Rajya Sabha is more powerful for some times it is called the upper chamber house and the Lok Sabha the lower chamber, but this does not mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. मैम योर वॉइस इज दांतों में दर्द हो रहा है ना, उसमें मैं इतना बोल नहीं आ रहा, नेट का काम है, जब आ जाए सीरियल अब आ जाए तब क्या बोलूंगी, तब तो आएगा, आ रहा है? नो आई एम नॉट ऑडिबल मैम, आ रहा है ओके। कौन नेट पे जैसे दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज used in our constitution. Our constitution does give the Rajya Sabha some special powers over the states, but no, on most matters the Lok Sabha
एक्सरसाइज इज सुप्रीम पावर, लेट अस सी हाउ, ये कैसे होता है, मैं पूछूंगी हाउ, यही स्टेटमेंट लिख दिया और हाउ पूछ दिया, क्या करोगे? आई विल टेल यू समथिंग, पहले साल जब ये किताब निकला नया, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिया पीछे, डेमोक्रेटिक राइट्स और इसी भी इसमें भी नहीं है, इसी चैप्टर देखो क्वेश्चन है क्या, हाँ है थोड़ा बहुत, पर फिर मैंने ना क्वेश्चन बनाया, यू वोंट बिलीव, उन दिनों क्वेश्चन पेपर बाहर से आता था सीबीएसई से, वही क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन मैंने बनाया, मैम ये आपके क्वेश्चन, मैंने बोला अरे क्वेश्चन तो उस चैप्टर से ही पूछेगा ना, तो बी केयरफुल, यहाँ पे मैं पूछ सकती हूँ हाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, सीधे 5 मार्क की क्वेश्चन हो सकता, 3 मार्क का भी हो सकता है, ओके, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, ऑर्डिनरी लॉ, नॉट मनी, नॉट मनी, नॉट इमरजेंसी, नथिंग, ओनली सिंपल, कहीं सिविल थिंग्स, रोड बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, कोई भी, बट इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन व्हिच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर, इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस ओपिनियन, राज्यसभा कहता नहीं ठीक नहीं, लोकसभा अगर राज्यसभा पास करता, ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑल्सो, तो लोकसभा बोलता है ये तो बहुत गलत है, ठीक नहीं, तो फिर दोनों लोग इकट्ठा बैठते हैं ज्वाइंट सेशन में, फिर डिसीजन तक लेते हैं, बिकॉज ऑफ द, तुम्हारे बुक में लोकसभा में वो नहीं है, लॉ मेकिंग टाइम नहीं है, हाउ बी बिकम, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इफ इट इज नेसेसरी आई टेल यू, बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग, देखो जब ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन में बात चलती है, तो किसका ओपिनियन एक्सेप्ट होगा, लोकसभा, आपने पहले पढ़ाया देयर आर 3 लिस्ट्स, एवरी गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो देयर आर, बिकॉज फेडरलिज्म में, अगले साल पढ़ोगे फेडरलिज्म, federalism means more than one level, more, there are more government than one government, hamare desh mein central government hai jisko union government bhi bolte hain aur government of india bhi bolte hain, aur state government hai, we have so many state governments, aap padhoge holding hands and coming together and holding together, ye bhi concept hai padhna, isme kya hota hai, there are union list and state list and concurrent list, concurrent list means mili juli list, ye list kya hai, that the question is what is the list, list of subjects, ek suchi bana diya, ye cheeze hai, jaise defense hai, finance hai, post and telegraph hai, railway hai, ye sab jo hai aa gaya central government ke andar, state list mein kya aa gaya, स्टेट लेवल की जितने जरूरत है, पुलिस है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर है, उसमें आ गया, कॉन्क्रीट लिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा लिस्ट है जिसमें दोनों का मिला जुला नंबर है, इसके अलावा एक और लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में केवल एक ही चीज है, वो है कंप्यूटर, आईटी, क्योंकि जब ये लिस्ट बनी थी तीनों लिस्ट, तब कंप्यूटर नहीं था हमारे देश में, अच्छा जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो केवल यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगा लॉ, डिफेंस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकता, फाइनेंस में बजट पास जब होता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट डू, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट काम तो करेगा, लॉ तो बनाएगा, पर ये इंस्पेक्शन करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट होते भी हमारे में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बॉस है इसका, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिज एंड डिवोर्स है, ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट लिस्ट में भी हो सकता है, ये सेंट्रल लिस्ट में भी हो सकता है, डिवोर्स आदमी कहीं का भी ले सकता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में, तो ये आपने पढ़ा नहीं किया इसको, फेडरलिज्म अगले साल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो उसमें
लेजिस्लेशन का जो 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 जुरिस्डिक्शन है वो सब अपना अपना अलग है. नाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर. यस नो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस. ध्यान रखो दो अंडरलाइन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस. कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. फाइनेंस के कितना भी बिल है सब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. वो लोकसभा ना कह दिया तो ना, लोकसभा कह दिया हाँ तो हाँ. किसी बंदे का कोई ताकत नहीं है वो ना कह सकता. वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. सुनते ही नहीं, कुछ कर जरूरत ही नहीं. लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है देखने के लिए. इफ दे डू नॉट एग्री दे डू नॉट एग्री दे विल जस्ट कुछ नहीं साइड साइड कर देते हैं. द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंजेस इन इट. द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट चेंजेस. समझ सकते हो कितना पावरफुल है लोकसभा. इट इज बिकॉज व्हाई इज लोकसभा, एक मार्क का पूछा गया, व्हाई इज लोकसभा सो पावरफुल, बिकॉज पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट देयर. इट इज डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्टेड फॉर लोकसभा लोकसभा मेंबर्स. और डेमोक्रेसी इज ए पीपुल्स गवर्नमेंट. पीपुल आर वेरी पावरफुल, दैट्स व्हाई लोकसभा इज वेरी पावरफुल. प्राइम मिनिस्टर सिट्स देयर, द गवर्नमेंट सिट्स एंड वर्क देयर. हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? हरीश. लोकसभा में कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा में कौन? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. Who is the presiding officer of Lok Sabha? Lok Sabha में हल्ला वगैरह करते हैं तो कौन बोलता है? Speaker. It is the speaker. वाचस्पति. Lok Sabha में वाचस्पति is also very powerful. Now Rajya Sabha में who is the presiding officer? कौन? Rajya Sabha को भी तो conduct करना पड़ता है. Who is the speaker? स्पीकर तो है लोकसभा में होता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हमारे क्लास को कुछ नहीं किया. अरे कौन है वो ऑफ इंडिया अभी? राव राव वाइस प्रेसिडेंट. बीजेपी पार्टी का आदमी है वो, वेंकैया नायडू. राव राव बोल वेंकैया नायडू. ही इज द प्रेजिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा. ही इज द वाइस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद. वो हरीश बोलने के बाद तुम नहीं बोले, तुम तो नहीं बोले. अच्छा प्राइम मिनिस्टर का नाम भाई मिस्टेक जानते हो तुम लोग, गलती से तुमको पता होगा. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी. हैं नंदिनी आजकल. हाँ नरेंद्र मोदी. अरे श्री तो लगाओ, मिस्टर तो लगाओ, जनाब तो मैंने लगाया था, वो माइक थोड़ी देर बाद चालू हुआ. माइक बड़ा शरारती है, जब भी नंदिनी बोले तो पड़ जाती है, गलत बात. माइक को दो-चार थप्पड़ लगाना. चलो तीन. मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये आपने पढ़ा था एट क्लास में. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है भाई, समझाओ जरा. एट में मैंने कैबिनेट मिनिस्ट्री चोजन बाय प्राइम मिनिस्टर. मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी तो कैबिनेट मिनिस्टर कहां से ले आए? कुछ भी. मुझे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या पूछ रही हूँ. ये कैबिनेट मिनिस्टर से बड़ा है कि छोटा है? कल क्लास में मुझे जरूर याद दिलाओ, मैं ब्लैक बोर्ड में इसको ड्रॉइंग बना के बोलता हूँ. ये भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं जानते, मंत्रिपरिषद.
इधर राजा क्या कर लेगा? मंत्री लोग तो ये तो सलाह देते हैं उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. Prime Minister is the leader of the Sarkar. Government Sarkar ki leader to hi hai. Jo party jitta hai uske leader ko hi banate hai wo log. Wo hi capable hai. If the majority of the Lok Sabha members say that they have no confidence in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit. Unko prove karna padta hai majority. Kya tha Devegowda? 13 din ka minister tha prime minister. He could not prove his confidence in Lok Sabha. Logon ne bola nahi nahi hum to nahi de rahe sab. Unhone bola hum 12 din ke andar siddh karenge. Nahi tha. He had to quit. राज्य सभा डज नॉट हैव दिस पावर. राज्य सभा में ये सब काम नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है, बहुत काम करता है तो इसके पास पावर भी ज्यादा है. दूसरी बात ध्यान से सुना, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे स्विम और सिंक टुगेदर. तैरते तो एक साथ तैरते हैं, नहीं तो डूब के मरते हैं सारे एक साथ. ओके प्लीज मुझे याद दिला और इट इज योर वर्क टू रिमाइंड मी अबाउट द मेकिंग एक्सप्लेनिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट कॉन्सिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर द टैक्स एंड ऑल, एंड इट इज द बिग वन. बड़ा रिंग बनाओ फिर छोटा रिंग बनाओ फिर छोटा रिंग. नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विथ व्हिच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? डू यू रिमेंबर? He is asking to you, not me. मैं भी उसके साथ हूँ, किताब के साथ, उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ. Do you remember the office memorandum? Yes. Yes, ma'am. About what? About reserved. 27% for India. Backward plan. इसी आंसर दो. About Mandal Commission. हरीश तुम्हारा जो बुद्धि है ना, तुम इंटेलिजेंट कितने में तुम मार्क खा जाते इसी फालतू की जल्दी बना. टू द पॉइंट बात नहीं करते थे. मैंने बोला इट इज अबाउट व्हाट मंडल कमीशन, बात कम खत्म. इट इज अंडरस्टूड 27% रिजल्ट और उसके बाद आता है व्हाट डज इट कंटेन, देन आप बताओ ये बात. वी फाउंड आउट 43 हो गया. यू हैव क्लास, नेक्स्ट क्लास क्या है? बायोलॉजी. बेटा ऐसा है, तुमको क्लास अभी मैडम लेने के लिए आ गई होंगी, टाइम इतना गैप नहीं दिया है, 10 मिनट का गैप दिया टाइम. चलो फिर से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है. हमारे पास बच्चे 13 बच्चे. ओके क्लास खत्म करते हैं. ॐ शांति शांति शांति. व्हाट इज द टाइम दैट शी इज गिवन बायो क्लास के लिए देखना जरा. इनविटेशन भेजा होगा ना कैम? यस मैम. अरे मेरा 9:40 था ना. थैंक यू. बट टुमारो मुझे याद दिला, यू कैन लीव.